जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। एसएससी एमटीएस हवलदार एडमिट कार्ड 2024 कैसे डाउनलोड करना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आप लोगों के लिए आई हुई है, आप लोगों की जो एग्ज़ाम डेट और जो सीटी है, यानी किस डेट को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, इसका डाटा आ चुका है। जी हाँ, और रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लीजिए आप। देखिए, आपकी जो पहली शिफ्ट है वो आपकी 7:45 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उसमें फिर आप लोगों का जो है 9 से लेकर 10:30 तक जो है पहली शिफ्ट चलेगी। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 11:15 का आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और इसमें आपकी जो एग्जाम की जो ड्यूरेशन है आपका 12:30 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। वहीं थर्ड शिफ्ट में आप लोगों का 2:45 का जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम है, और यहां पर 4 से लेकर 5:30 तक जो है तीसरी जो शिफ्ट है वो चलने वाली है। अब यहां पर आप देखेंगे तो एग्जाम जो है आपके सितंबर में जो है एक डेट को एग्जाम है आपकी 30 तारीख को, जी हाँ 30 तारीख को आपकी सितंबर में एग्जाम रहेगी, और फिर बाकी जो है आप लोगों को हॉलीडे है, ठीक है, इसलिए ऑफ रहेगा। और फिर अगर हम बात करें अक्टूबर में, काफ़ी सारी डेट्स हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हो कि 7, ठीक है, 7 से लेकर फिर आपका 9 तक, ठीक है, फिर आपका 10, 11 और जो है को छुट्टी रहेगी, फिर 14 से लेकर जो है आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 23 तक रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 28, 29, 30 फिर आपका 31 का हॉलीडे रहेगा, और नवंबर में जो है आपकी 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच ही आपकी एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आप इन डेट्स को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को आ जाना है गूगल में, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे एसएससी। सिंपल सा आपको जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहीं से आपको रेजिन वाइज जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो मिल जाएगा। एसएससी आप सर्च करेंगे, एसएससी की जो ओल्ड वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर आप आएंगे तो डायरेक्टली जो है आपको लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल सा जो है लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो आपकी वेबसाइट है पुरानी वाली, इसमें आप देखेंगे एडमिट कार्ड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एडमिट कार्ड वाले पोर्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड वाले पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने कुछ तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखते हैं कि आपको जो है रीजन्स जो है दिए हुए हैं। अब रीजन्स में ऐसा है कि आप लोगों के कुछ स्टेट है, ठीक है, जिनमें जो है एक रीजन में जो है उनको बांट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है दूसरे रीजन्स के जो वेबसाइट है उससे अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपका जो रीजन्स है वो किस जो है यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो किस रीजन में आता है। देखिए यहाँ पर जो है आपके अलग अलग रीजन्स है और उनका अलग अलग जो है यहाँ पर स्टेट्स भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए। देखिए नॉर्थ जो रीजन है, ठीक है, आपका दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट आपके नॉर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल रीजन की, तो सेंट्रल रीजन में उत्तर प्रदेश और बिहार 2 राज्य आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें ईस्टर्न रीजन की, तो यहाँ पर कोलकाता, ठीक है, सॉरी वेस्ट बंगाल जो है आप लोगों का, सिक्किम है, उड़ीसा, झारखंड, ये आपके जो है ईस्टर्न रीजन में आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न रीजन में, तो महाराष्ट्र और गोवा और जो है आप लोगों का गुजरात, ये जो है आपके वेस्टर्न रीजन में आएंगे। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो साउथर्न रीजन रहेगा, साउथर्न रीजन में आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये है आपके साउथर्न रीजन के स्टेट्स। फिर आपके वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट की, तो ये आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये है आप लोगों के नॉर्थ वेस्ट रीजन। फिर कर्नाटका, केरला में कर्नाटक और केरल है। फिर नॉर्थ जो रीजन है फिर आप लोगों का, ठीक है, वहाँ पर आपका जो है असम, मणिपुर वाला जो एरिया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेट जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में है। फिर आपका MP में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 रीजन्स यहाँ पर आपके 2 स्टेट्स जो है उस रीजन में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अपने रीजन्स की वेबसाइट पे यहाँ पे आप आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर जो रीजन्स वाइज वेबसाइट दी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपका रीजन देख लेना है कि आपका जो स्टेट है वो किस रीजन में आता है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे, अपने रीजन वाले साइड वाले जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है रीजन्स की जो वेबसाइट है उसका होम पेज अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ईस्टर्न रीजन का कुछ तरीके के दिखेगा, ठीक है। फिर साउथर्न रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा, लेकिन आपको यहाँ पर ढूंढना यह है, ठीक है, आपको ढूंढना यह है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो है देख पा रहे होगे, ये आप लोगों का जो है एक लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिंक आपका दिया हुआ है, ये आपके जो एग्ज़ाम सिटी डेट्स, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर आप एडमिट कार्ड, तीनों जो है एक ही लिंक से जो है यहाँ पर आप देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसी लिंक को देखना है, MTS 2024 का, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके जाए।
जाएगा। सभी जो वेबसाइट है अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग जो है पेज आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जो है सिंपल सा डिटेल्स जो है आपकी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप आए तो और यहाँ पर आपको जो है आपकी डिटेल्स फिल करनी, जैसे कैंडिडेट का नेम या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, कुछ में जो है आपके जो है और डिटेल्स मांग सकती है, तो उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो है अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों की जो डिटेल्स है वो या तो आपको नाम या डेट ऑफ बर्थ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर कंपलसरी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम और डेट ऑफ बर्थ जो कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, सम कर लेना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जब नेक्स्ट आप जैसे करेंगे तो आपके सामने कुछ तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके का आपको जो है इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या जो है यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम सेंटर पर। ठीक है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसको आप जो है अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को 3 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है, यानी हाल ही में खींची हुई जो है आपको फोटो आपके साथ जो एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जानी है। यहाँ पर आप आएंगे, इसको ओके कर लेंगे अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट जो आपका पेज है कुछ इस तरीके का आपका शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम जो सिटी है वो यहाँ पर आप दे दी गई है। तो आप जो है अपना रिजर्वेशन अगर आपको कराना है तो आप यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है, ठीक है, एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है यहाँ पर, उसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर दिया है। ठीक है, कि आपका जो एडमिट कार्ड का जो प्रिंट होगा, प्रिंट आप बोल सकते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आप लोगों को जो है 4 दिन पहले, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर इनके एग्ज़ाम की डेट है 21/10, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो एडमिट कार्ड का प्रिंट है वो 17, ठीक है, 17 को यहाँ पर 17/10 को जो है यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जिस जिसकी जैसे जैसे है उसी अकॉर्डिंग 4 दिन पहले अपना प्रिंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड करके प्रिंट करके, तो यहाँ से आप जो है उसको प्रिंट करा सकते हैं। सभी वेबसाइट में आपको कहीं नीचे मिलेगा, ठीक है, कहीं साइड में मिलेगा, इस तरीके से अपना जो पीडीएफ या प्रिंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी समझ में आ गई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।